सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में बैंक का स्थान अग्रणी है। यहाँ पर युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अधिक है। ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बहुत उपयोगी जानकारी देने के लिए यह वीडियो तैयार किया गया है। SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने PO के 2056 पदों की वैकेंसी निकाली है। यह एक सुनहरा अवसर है उन सभी मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए जिनका सपना बैंक में कार्य करना है। आप भी इसका लाभ उठाइए। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो न केवल इस वैकेंसी के बारे में जान सकेंगे अपितु बैंक परीक्षा के बारे में अनेक महत्वपूर्ण बातें भी आपको पता चलेंगी जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए आज की इस चर्चा को हम पॉइंट वाइज शुरू करते हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कितनी है वैकेंसी? बैंक पीओ की वैकेंसी की कुल संख्या है 2056। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। 2000 से अधिक युवाओं को बैंक में ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। इस वैकेंसी में 2000 रेगुलर वैकेंसी और 56 बैकलॉग वैकेंसी सम्मिलित है। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब होता है ऐसे पद जो पिछली वैकेंसी में विज्ञापित किए गए थे लेकिन भरे नहीं गए। इन पदों में से 810 अनारक्षित थे। अनुसूचित जाति के साथियों के लिए 324, अनुसूचित जनजाति के साथियों के लिए 162, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथियों के लिए 560 और EWS के साथियों के लिए 200 पद निर्धारित थे। EWS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। जाहिर है इसमें सभी वर्गों के युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। यदि आप मेहनत करने का संकल्प कर ले और उसे ईमानदारी से पूरा करें तो यकीन मानिए एक दिन आप बैंक में अधिकारी की कुर्सी को अवश्य ही सुशोभित करेंगे। क्या होता है बैंक पीओ का मतलब? आप में से जो विद्यार्थी बैंकिंग क्षेत्र से अधिक परिचित नहीं है उनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। हिंदी में इसका मतलब होता है परिवीक्षाधीन अधिकारी। जब आप बैंक में या फिर सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करते हैं तो सामान्यतः शुरू के 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि के माने जाते हैं। इस परिवीक्षा अवधि में आपके व्यवहार, आचरण, निष्ठा, कार्यप्रणाली आदि का मूल्यांकन आपके उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यदि आप उनके आकलन पर खरे उतर गए तो परिवीक्षा अवधि समाप्त हो जाती है और आप नियमित अधिकारी या कर्मचारी बन जाते हैं। क्या करते हैं बैंक पीओ? आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा भी होगी कि बैंक पीओ के क्या कार्य होते हैं। बैंक में पीओ की स्थिति एक अधिकारी की होती है। वे स्केल 1 अधिकारी के सहायक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारी ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना होता है। बैंक से व्यवहार करते हुए ग्राहकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनसे छुटकारा दिलाने में पीओ की भूमिका होती है। पीओ यह निरंतर प्रयास करते हैं कि बैंक का व्यवसाय बढ़े और बैंक को अधिक से अधिक लाभ हो सके। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होंगे? वर्तमान में उपलब्ध 2056 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। चैनल की सलाह है कि आप आवेदन के लिए अंतिम तारीख की प्रतीक्षा मत कीजिए, यथाशीघ्र आवेदन कर दीजिए। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? बैंक पीओ बनने के लिए किसी भी संकाय में स्नातक या ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आपने बीए या बीकॉम या बीएससी या बीएचएससी या बीबीए या पीसीए आदि
जैसा कोई भी स्नातक कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस समय ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी दशा में आपको 31 दिसंबर 2021 तक ग्रेजुएशन पूरा कर लेना होगा। आयु सीमा क्या होगी? आवेदन करने के लिए 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। जिन युवाओं का जन्म 1 अप्रैल 2000 के पहले हुआ है वो ही आवेदन के पात्र होंगे। जहां तक अधिकतम आयु का संबंध है तो यह वर्गवार अलग अलग है। सामान्य या अनारक्षित वर्ग के युवा अधिकतम 30 वर्ष की आयु तक परीक्षा दे सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट होती है, अतः वे 35 वर्ष की आयु तक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट होती है, अतः वे 33 वर्ष की आयु तक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी यानी पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु में छूट प्राप्त है। एससी और एसटी के पीडब्ल्यूडी के आवेदकों को 15 वर्षों की, ओबीसी के पीडब्ल्यूडी के आवेदकों को 13 वर्षों की और सामान्य तथा ईडब्ल्यूएस के आवेदकों को 10 वर्ष की छूट प्राप्त है। अतः ये क्रमशः 45 वर्ष, 43 वर्ष और 40 वर्ष की अधिकतम आयु तक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एक्स सर्विसमैन आदि को 5 वर्ष की आयु संबंधी छूट मिल सकती है, तो वो 35 वर्ष की आयु तक परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे। आवेदन करते वक्त कितना शुल्क लगेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को पीओ परीक्षा के लिए आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं लगता है। अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपए निर्धारित है। क्या परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम चांस की भी व्यवस्था है? जी हाँ, इस संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। सामान्य एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थी अधिकतम 4 बार बैंक पीओ की परीक्षा दे सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम चांस की संख्या 7 है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के पीडब्ल्यूडी यानी पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक 7 बार यह परीक्षा देने का मौका मिलता है। एससी एसटी तथा एससी एसटी वर्ग के पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम चांसेस की कोई सीमा नहीं है। ये अभ्यर्थी अपनी अधिकतम आयु सीमा तक कितनी ही बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। चैनल का आपसे अनुरोध है कि यदि आपने बैंक पीओ बनने का ठान लिया है तो फिर आप अपनी तैयारी को इतनी मजबूती दीजिए कि पहले या दूसरे चांस में ही आप सफल हो जाए और आपको अपनी मंजिल मिल जाए। क्या है चयन प्रक्रिया? बैंक पीओ बनने के लिए आपको परीक्षा के 3 चरणों से गुजरना होता है। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा, तीसरा चरण है साक्षात्कार। आइए अब इनके बारे में जरा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। यह परीक्षा ऑनलाइन होती है। इस परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है। कुल 100 अंकों का पेपर होता है। 100 प्रश्न 3 भागों में बटे होते हैं। पहले भाग में अंग्रेजी भाषा के 30 प्रश्न होते हैं। इन्हें आपको 20 मिनट में हल करना होता है। दूसरे भाग में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मात्रात्मक योग्यता यानी गणित के 35 प्रश्न होते हैं। इन्हें भी आपको 20 मिनट में हल करना होता है। तीसरे भाग में रीजनिंग एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता के 35 प्रश्न होते हैं। इन्हें हल करने के लिए भी आपको 20 मिनट का ही समय मिलेगा।
ध्यान रखिए कि प्रत्येक भाग के लिए समय सीमा निर्धारित है। यदि आप निर्धारित 20 मिनट में किसी भी भाग के निर्धारित संख्या के प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं तो 20 मिनट व्यतीत होते ही अगला भाग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में स्पीड को विशेष मेंटेन करने की जरूरत होती है। अब बातें करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और दो वर्णनात्मक प्रश्न। मुख्य परीक्षा भी ऑनलाइन होगी और एक ही सत्र में वस्तुनिष्ठ तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। चलिए मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात पहले कर लें। मुख्य परीक्षा में कुल 155 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अधिकतम अंक 200 होंगे। 155 प्रश्न हल करने के लिए कुल अवधि मिलेगी 3 घंटे। ये 155 प्रश्न 4 भागों में बटे होंगे। पहले भाग में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 प्रश्न होंगे। इनके लिए 60 अंक निर्धारित है और इन्हें 60 मिनट यानी 1 घंटे में हल करना होगा। दूसरे भाग में डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 प्रश्न होंगे। इनके लिए भी 60 अंक निर्धारित हैं और इन्हें 45 मिनट में हल करना होगा। तीसरे भाग में जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस अर्थात सामान्य अर्थव्यवस्था और बैंकिंग जागरूकता पर आधारित 40 प्रश्न होंगे। इनके लिए 40 अंक निर्धारित है और इन्हें 35 मिनट में हल करना होगा। चौथे भाग में अंग्रेजी भाषा के 35 प्रश्न होंगे। इनके लिए 40 अंक निर्धारित हैं और इन्हें 40 मिनट में हल करना होगा। मुख्य परीक्षा में भी प्रत्येक भाग के लिए अलग टाइमिंग सेट रहेगी। यदि आप निर्धारित समय में किसी सेक्शन के निर्धारित संख्या वाले प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं तो समय पूरा होते ही अगले सेक्शन के प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए अब मुख्य परीक्षा के वर्णनात्मक प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ये वर्णनात्मक प्रश्न अंग्रेजी भाषा के होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 2 होगी। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आधे घंटे का समय मिलेगा। आपको अंग्रेजी में निबंध एवं पत्र लिखने को कहा जाएगा। आइए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी चरण की। आखिरी चरण इंटरव्यू का है। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए होता है। कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। यदि हम वर्तमान वैकेंसी की बात करें तो 2056 पद के 3 गुना यानी 6168 प्रतियोगी इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। तीसरे चरण के लिए अधिकतम अंक 50 हैं। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए या तो पूरे 50 अंकों के लिए इंटरव्यू ले लिया जाएगा या फिर 30 अंकों के लिए इंटरव्यू और 20 अंकों के लिए ग्रुप एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। आखिरी चयन का आधार क्या होगा? विद्यार्थी साथियों ध्यान दीजिए, आपका आखिरी चयन मुख्य परीक्षा के 200 अंक और साक्षात्कार के 50 अंक। इस तरह कुल 250 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर होगा। जाहिर है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, यह आपको मुख्य परीक्षा तक पहुंचाती है, लेकिन आखिरी चयन में प्रारंभिक परीक्षा में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की भूमिका नहीं होती है। प्रारंभिक परीक्षा का अपना महत्व है लेकिन अंतिम चयन में इसकी भूमिका नहीं होती है। स्पष्ट है कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में आपको अधिकतम अंक लाने का प्रयास करना होगा ताकि आप फाइनल सिलेक्शन के लिए बनने वाली मेरिट लिस्ट में 2056 में स्थान में आ सके, क्योंकि नौकरी तो 2056 अभ्यर्थी ही प्राप्त कर सकेंगे। क्या माइनस मार्किंग भी होती है? जी हाँ बिल्कुल, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाओं में माइनस मार्किंग की व्यवस्था है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न गलत करने पर पेनल्टी होगी। प्रत्येक गलत प्रश्न पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 यानी 1/4 अंक काट लिए जाएंगे।
जाहिर है कि बैंकिंग परीक्षा में तुक्के लगाने की गुंजाइश नहीं होती है। कब होगी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा? यदि हम वर्तमान वैकेंसी की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा नवंबर एवं दिसंबर माह में प्रस्तावित है। आपके पास लगभग 1.5 माह का समय है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर माह में घोषित हो जाएगा। दिसंबर के अंत तक मुख्य परीक्षा हो जाएगी। इस तरह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच अधिक गैप नहीं रहता है। जनवरी 2022 में मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू तथा ग्रुप एक्सरसाइज का आयोजन होगा। फरवरी मार्च में फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो आपका लक्ष्य बैंक कर्मी बनना है तो इस वीडियो को देखने के बाद से ही अपनी तैयारी को गति दे दीजिए। साथियों, कोई भी लक्ष्य अप्राप्य नहीं है। आप जरूर बैंक में जॉब करेंगे। सही दिशा में नियमित मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र सूत्र है। आपको गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था आदि से संबंधित सामान्य ज्ञान आदि केवल आना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गति के साथ सही उत्तर देने की क्षमता भी अर्जित करना होगा। जैसा कि हमने देखा था, प्रश्न अधिक होते हैं और समय कम होता है। हर सेक्शन के लिए अलग समय का बंधन भी बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, बैंकिंग परीक्षा के संबंध में एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया था, वह भी काफी उपयोगी है। उसमें हमारे चैनल के साथी श्री अंशुल सुलिया ने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, आप वह वीडियो भी देख लीजिए। बैंकिंग सीरीज जारी रहेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।